TSE 141 महात्मा गांधी एवं समसामयिक विश्व, इसका क्या रहेगा, चैप्टर नंबर 12 रहेगा, यूनिट नंबर 12 क्या हमारा सामाजिक सद्भाव, ठीक है, ये हमारा चैप्टर रहेगा। और इसमें हमें जो जो पढ़ना है, जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा 12.5 जो आता है, सामाजिक सद्भाव की अवधारणा क्या है, यानी भैया सामाजिक सद्भाव होता क्या है, सबसे पहले 12.5 सामाजिक सद्भाव, ठीक है। दूसरा 12.6 सामाजिक सद्भाव को कैसे समझ सकते हैं, यानी जो सामाजिक सद्भाव होता है इसको हम कैसे समझ सकते हैं। 12.7 यानी सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। भैया सामाजिक सद्भाव का सिंपल सा मतलब होता भैया कि हमारे समाज में जो भाईचारा है, जो मेल जोल है, जो आपसी संबंध है, उसी को बोलते हैं सामाजिक सद्भाव। यानी हमारे समाज में जो हम बोलते नहीं भैया कि हमारा भाईचारा बना रहे, सामाजिक जैसे हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहे हैं, सामाजिक जैसे जातियों में किस प्रकार का हिंसा है, टकराव ना हो, सभी मिलजुल कर, जब सब पूरा समाज हमारा मिलजुल करके रहता है या उसमें समाज में भाईचारा विद्यमान है, तो हम उसको क्या बोलते हैं भैया, सामाजिक सद्भाव उसी को कहा जाता है, मेनली यही है सामाजिक सद्भाव, ठीक है। 12.7 में क्या देखेंगे, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से काम होते हैं जिससे हमारा समाज में सद्भाव बिगड़ जाता है, भाईचारा खराब होता है, ठीक है। 12.8 में करेगा सामाजिक सद्भाव को कैसे काम किया, यानी सामाजिक सद्भाव को हम कैसे बना सकते हैं, मान लो कि भैया सामाजिक सद्भाव को कैसे बढ़ा सकते हैं, या सामाजिक सद्भाव बिगड़ गया दोबारा कैसे ठीक होगा, समाज में भाईचारा कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज हमारा देखेंगे, सामाजिक सद्भाव पर गांधी क्या है, यानी सामाजिक सद्भाव पर गांधी के विचार क्या है, या महात्मा गांधी सामाजिक सद्भाव पर क्या कहते हैं या क्या बोलते हैं, इन्हीं सारे पॉइंटों को हमें क्या करना है, आज के इस चैप्टर में देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले के भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, उसका भी जा करके आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले के भी चैप्टर पढ़ा रखा है, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 11 तक की वीडियो अपलोड है चैनल पर, जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा BPSE 141 की प्लेलिस्ट बनी है, वहां से जाकर के सारे चैप्टर की पढ़ाई क्लासेस अटेंड कर लेना, और एग्जाम की आपको बहुत सारी सुविधा, एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चों के किसी के 70, 75, 80 मार्क्स दिए हैं, तो आप इस अनुसार से समझ सकते हैं कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ेगा और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 70, 80+, 70+ ही आएगा, कोई टेंशन में नहीं लेने का, ठीक है, तो आराम से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने जो बात की है सद्भाव की, हम बात करें तो सबसे पहले हम सद्भाव की अवधारणा को समझते हैं भैया, इसकी अवधारणा क्या है, ठीक है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये देखिएगा यहाँ पर आपका आ गया, देखिएगा 12.5 में क्या है, सामाजिक सद्भाव की अवधारणा। देखिएगा, सामाजिक सद्भाव एक पारंपरिक विचार है, यानी जो सामाजिक सद्भाव भैया एक परंपरा के अनुसार चलता है, यानी जैसे पारंपरिक सोच चलती है परंपरा के अनुसार, जो आदर्श समाज को सुझाव देता है कि ऐसा समाज जहां संघर्ष ना हो, यानी सामाजिक सद्भाव बताता है कि भैया हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, ठीक है। व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहयोग के, यानी सभी लोग आपस में सहयोग के साथ, यानी सभी लोग मिलजुल करके रहें, इसको सामाजिक सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख तत्व है, यानी जो सामाजिक सद्भाव बोले या सामाजिक सौहार्द का एक प्रमुख तत्व है। लोकतंत्र और कानून का संचालन करें कि अगर लोकतंत्र रहेगा और कानून का पालन किया जाएगा और कानून निष्पक्ष रहेगा और सभी को न्याय मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि सामाजिक सद्भाव को बनाना आसान है। यानी कह सकते हैं कि लोकतंत्र के माध्यम से, कानून के माध्यम से, या निष्पक्षता की, यानी निष्पक्षता रहे, ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंसी हम जिसे बोलते हैं, और न्याय, ये सारी चीजें हम स्थापित करके सामाजिक सद्भाव को कायम कर सकते हैं, ठीक। आगे देखिएगा, सामाजिक सद्भाव स्वाभाविक तौर पर एक सामाजिक विचार, यानी करेंगे जो सामाजिक सद्भाव एक प्रकार का समाज का विचार, यानी सोसाइटी की एक थिंकिंग है, एक विचारधारा है, जो सामाजिक संगठनों में समाहित, यानी जो सामाजिक संगठन होते हुए सामाजिक सौहार्द को या समाज में भाईचारा कायम करने के लिए काम करते हैं। सक्षम नागरिकों के संदर्भ में यह समायोजित परिकल्पना और दिनचर्या को मजबूती प्रदान करता है कि जो सक्षम नागरिक होते हैं, ठीक है, उनकी जो परिकल्पना है, उनकी दिनचर्या जो है, उससे देखो जो सक्षम नागरिक है वो सामाजिक सद्भाव को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, जहां राज्य के लोगों के कल्याण के लिए
प्रयासरत रहता है। सामाजिक सद्भाव की परिकल्पना का प्राकृतिक, यानी जो सामाजिक सद्भाव एक प्राकृतिक पैमाना है, ठीक है, यह व्यक्ति और प्रकृति के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की महत्व की जांच के लिए उल्लेखनीय, यानी कह सकते हैं सामाजिक सद्भाव बताता है कि भैया जो प्रकृति यानी जो नेचर है, जो व्यक्ति है, वो शांति के साथ और भाईचारे के साथ इस समाज में किसी प्रकार की हिंसा, संघर्ष या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना होना, बल्कि पूरे समाज जो है शांति के साथ, भाईचारे के साथ, मेलजोल और सहयोग के साथ अगर रहता है तब इसको सामाजिक सद्भाव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, सामाजिक सद्भाव की अवधारणा का प्रारंभिक कन्फ्यूशियन कॉल के दौरान चीन को माने, यानी जो सामाजिक सद्भाव है वो चीन से इसकी भैया शुरुआत हुई है, इसलिए इस अवधारणा को नए रूप में इसको व्यक्त किया जा रहा है। वर्तमान समय के मध्य में देखें तो 2000 के दौरान महासचिव जो कैसे यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव थे उन्होंने इस विकास सिद्धांत को अवधारणा के रूप में, तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया। 2005 में नेशनल पीपुल कांग्रेस ने इसे प्रस्तुत किया था, ठीक है। चीनी समाज में बढ़ती सामाजिक बुराई और असंतुलन विकास की प्रतिक्रिया में इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया, सामाजिक असंतुलन का कारण था अबौद्धिक मौद्रिक विकास, इस वजह से सामाजिक संघर्ष हुई। यानी कह सकते हैं भैया चीन में क्या था, समाज असंतुलित था, समाज में बहुत ज़्यादा बुराई थी और समाज चीन का समाज में बहुत सा संघर्ष था, इसलिए चीन से क्या होती है सामाजिक सद्भाव की एक मिसाल शुरू की, भैया हमें समाज में भाईचारे के साथ, सहयोग के साथ रहना है, यानी चीन से कह सकते हैं कि सामाजिक सद्भाव की शुरुआत की गई। और यह जो सिद्धांत है कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा, जो चीन की पार्टी, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है, उसका राष्ट्रीय लक्ष्यों में से एक था भाई समाज में शांति बनाना या समाज में किसी प्रकार का संघर्ष ना हो, यानी सामाजिक सद्भाव की जो शुरुआत है वह चीन से, यानी कह सकते हो कि विदेश से हुई है, ठीक है भाई। सामाजिक सद्भाव को हम जिस प्रकार से देखते हैं तो सामाजिक सद्भाव में अगर आप देखोगे लोगों के बीच में हमें सम्मान, संवाद, स्नेह, विश्वास, शांति, उदारता, इन मूल्यों को अगर हम बढ़ाते हैं तो सामाजिक सद्भाव कायम होता है, ठीक है। जैसे लोगों के बीच में सम्मान है, ठीक है, यहाँ देखिएगा सम्मान है, संवाद है, स्नेह है, विश्वास है, शांति है, उदारता है और तालमेल, यानी लोगों के बीच में अगर बातचीत यानी संवाद बढ़ता है, आपस में स्नेह, प्यार, सम्मान बढ़ता है, लोग एक दूसरे के लोगों के बीच में अगर विश्वास है, अगर समाज जो शांति के साथ रहता है, लोगों में उदारता है या लोगों में तालमेल है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ऐसे इस प्रकार के अगर मूल्य बढ़ाए जाते हैं तो हमारे समाज में सामाजिक सद्भाव को कायम रखना या सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना क्या होता है कि काम करेगा, ठीक है। ये सारा सामाजिक सद्भाव को ही अंतर्गत आता है, ठीक है, इसी प्रकार से आप इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 12.6 में सामाजिक सद्भाव कैसे समझें, यानी सामाजिक सद्भाव को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिएगा सामान्य अर्थों में सामाजिक सद्भाव का अर्थ है कि एक ऐसी सामाजिक स्थिति जो संतुलन और तालमेल और परस्पर सहयोग को बताता है, यानी सामाजिक सद्भाव कहता है कि जब समाज में संतुलन हो और समाज में तालमेल हो, जहाँ पर सहयोग हो उसको हम सामाजिक सद्भाव को कह सकते हैं। समाज विकास की दिशा में आगे बढ़ते, यानी जहाँ का समाज आगे विकास की दिशा में आगे बढ़ता है और लोगों के बीच में तालमेल है, शांति और किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है, हम सामाजिक सद्भाव के इस रूप में समझ सकते हैं। यह स्थिति संघर्ष, तनाव और कला की रहित होती है, यानी अगर सामाजिक सद्भाव में क्या होता भैया कि सामाजिक सद्भाव जहाँ रहता है वहाँ पर किसी प्रकार का ना तो संघर्ष होता है, ना तो तनाव रहता है, ना तो वहाँ पर किसी प्रकार की आंतरिक कला हमें दिखाई देती है। सामाजिक सद्भाव सभी कुछ या कुछ में नहीं बल्कि स्थिति में होता है, बल्कि यह विभिन्न स्तरों पर मतभेद की अनुमति देता है। किसी समाज में सद्भाव का स्तर समाज के आयाम के सद्भाव की मात्रा और निर्भरता है, यानी किसी भी समाज में जो सद्भाव है वो कितना है कितना नहीं है उस समाज पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है, ठीक है। एक समाज के विभिन्न कालखंडों में विभिन्न स्तरों के सद्भाव को बताता है, यह विभिन्न कालखंडों में सद्भाव के तत्वों की उपस्थिति पर निर्भर करता है, यानी किस समाज में कितने सद्भाव तत्व हैं उसको बताता है, ठीक है। यानी कह सकते हैं सामाजिक सद्भाव को हम समाज में कितना तालमेल है, कितना सहयोग है, कितना संतुलन है उसके जरिए हम समझ सकते हैं। और सामाजिक सद्भाव बताता है भैया कि समाज में किसी प्रकार की ना तो हिंसा है, ना तो संघर्ष है, ना तो किसी प्रकार की कला, यानी हिंसा रहित कला, यानी तनाव रहित, संघर्ष रहित और कला रहित समाज को के रूप में हम इसको सामाजिक सद्भाव को समझते हैं। यानी जब समाज में भाईचारा, मेलजोल, मेल मिलाप, प्यार है, सम्मान है, एक दूसरे का आदर है या एक दूसरे के मन में
अच्छी इच्छा है, अच्छा विचार है, आगे समाज बढ़ता है, आगे समाज अग्रेसर होता है, तब हम इसको सामाजिक सद्भाव के रूप में समझ सकते हैं, या सामाजिक सद्भाव का जो दृष्टिकोण है यहाँ पर हम समझने में हमें आसानी हो सकती है। ठीक है, इस रूप में सामाजिक सद्भाव को समझा जा सकता है, वही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, देखिएगा 12.7 में क्या बताया है, सामाजिक सद्भाव को कैसे कायम किया जा सकता है। भैया जो सामाजिक सद्भाव है हम इसको कैसे कायम कर सकते हैं, यानी समाज में सामाजिक सद्भाव को कैसे बनाए रख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यह असंभव प्रतीत होता है, यानी समाज में भैया सामाजिक सद्भाव हमेशा के लिए बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, राष्ट्र और पड़ोसियों के बीच बहुत नकारात्मक, यानी हम व्यक्तियों की बात करें, राष्ट्रों की बात करें, तो उसमें बहुत नेगेटिविटी नकारात्मकता रहती है। ठीक है, इसका मुख्य कारण जैसे इंसानों के बीच में जैसे भैया सामाजिक सद्भाव जो नहीं बनता उसका मेन कारण क्या है, लोगों में लालच है, ईर्ष्या है, शक्ति की लालच है, मूर्ख नेताओं का संयोजन है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक व्यक्ति से अधिक इन नकारात्मकता से अपने को बचा सकता है। यदि व्यक्ति कहता है कि जो भी मेरे वश में है मैं उसे हड़पने वाला हूं, तो समाज के विलुप्त होने की प्रक्रिया तेज होगी। या अच्छा या बुरा, यदि इस भाष को छोड़ दे तो यह अवश्य है कि दूसरे प्राणियों के संदर्भ में यह अन्यायपूर्ण लगता है कि हम पूरी पृथ्वी के लिए अपना मान ले। सभी चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। सामाजिक सद्भाव तक पहुंचने के रास्ते परस्पर सम्मान और समझ है, संवाद है, शांति है, स्वतंत्रता, निष्पक्षता है, न्याय, समानता और कोई भेदभाव नहीं। यानी कहते हैं कि व्यक्ति और राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो उसमें इस प्रकार की लालच है, ईर्ष्या है, दूसरे का कब्जा कर लेना, दूसरे को हड़प लेना या दूसरे पर अधिकार कर लेना, ये हर व्यक्ति में विद्यमान रहता है, हर राष्ट्र में रहता है। लेकिन कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सामाजिक सद्भाव को खराब कर सकती हैं। लेकिन अगर हमें सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना है तो हमें भैया सम्मान है, संवाद है, शांति है, स्वतंत्रता है, निष्पक्षता है, न्याय है, समानता है और भेदभाव, इन चीज़ों के जरिए हम सामाजिक सद्भाव को कायम, जो सामाजिक सद्भाव है वह परस्पर सम्मान के जरिए, समझ के जरिए, संवाद के जरिए, शांति के जरिए, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, न्याय, समानता को न भेदभाव, जहाँ पर कोई, यानी इन चीज़ों के जरिए सामाजिक जो सद्भाव है इन चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं। इनको एक एक हेडिंग डाल करके आप इसको एक्सप्लेन भी कर लेना। ठीक है भैया, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे परस्पर सम्मान है, परस्पर सम्मान से सामाजिक सद्भाव कायम हो सकता है, समझ से यानी आपसी समझ के जरिए। ठीक है, संवाद यानी बातचीत के जरिए हम सामाजिक संवाद को कायम कर सकते हैं, शांति के प्रयास करके हम सामाजिक सद्भाव को कायम कर सकते हैं, स्वतंत्रता यानी व्यक्तियों में जब स्वतंत्रता रहेगी इससे भी सामाजिक सद्भाव बना रहेगा। ठीक है, निष्पक्षता यानी जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तब भी सामाजिक सद्भाव कायम किया जा सकता है। लोगों को न्याय की, जब लोगों को न्याय मिलेगा तब भी सामाजिक सद्भाव बनेगा। समानता, समानता तो भाई सामाजिक सद्भाव को आगे बढ़ाएं, जब सभी लोग समान रहेंगे तो हमारे समाज में भाईचारा और सामाजिक सद्भाव रहेगा, कायम रहेगा। जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, यानी जब किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा किसी आधार पे, इन सब सारी चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक सद्भाव को कायम कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं ये सारी चीज़ें, परस्पर सम्मान है, समझ है, संवाद है, शांति है, निष्पक्षता है, न्याय है, समानता है, और जहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, इन चीज़ों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, समाज में सद्भाव, भाईचारा और आपस में मेलजोल को हम क्या कर सकते हैं, कायम कर सकते हैं या इसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि एक बताया जाए कि इंसान का सुतूर या फितरत ही ऐसी होती है, इंसान हो या राष्ट्र हो, उसमें नकारात्मक चीज़ें बहुत विद्यमान होती है, वह दूसरों पर अधिकार करना चाहता है, लेकिन ये असंभव सी चीज़ प्रतीत होती है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सम्मान, समझ और शांति और स्वतंत्रता और निष्पक्षता न्याय के जरिए हम क्या कर सकते हैं, समाज में जो सद्भाव है उसको कायम कर सकते हैं या कायम करने के लिए उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, देखिएगा लोगों की निष्पक्षता और न्याय का पैमाना, धन और आय का वितरण के मामले में लोगों की निष्पक्षता, वित्तीय टैक्स नीति, रोजगार के अवसर, व्यक्तिगत विकास, उच्च शिक्षा में प्रवेश की परीक्षा प्रणाली, सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति, सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, निःशुल्क, यानी देखो और किंचित, अगर निष्पक्षता रहेगी, ठीक है, धन और आय का सही से वितरण होगा, ठीक है, वित्त और टैक्स नीति रहेगी अच्छी, सभी को रोजगार मिलेगा, अच्छा विकास होगा, उच्च शिक्षा रहेगी,
ठीक है, परीक्षा प्रणाली ठीक रहेगी, कर्मचारी को पदोन्नति मिलेगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सही रहेगा, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। इन सारी चीज़ों के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, समाज में सामाजिक सद्भाव को हम कायम कर सकते हैं। यानी इन चीज़ों के जरिए हमारे समाज में क्या हो सकता है भाई मेरे, सामाजिक सद्भाव को कायम किया जा सकता है, या समाज में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने वाले ये सारे कारक हैं, यानी इन कारण से सामाजिक सद्भाव बढ़ सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा देखिएगा यहाँ क्या है, सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने वाले कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक है जिससे हमारा सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। पहला जो सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है, हमारा समाज में जो विविधता है, विविधता के कारण सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। यानी ठीक है, चाहे वो बहुआयामी या बहुसांस्कृतिक या बहुजातीय या एक जटिल विविधता, यानी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या कर सकती है समाज को बिगड़ने वाला एक प्रमुख कारक हो सकता है, चाहे वो सांस्कृतिक विविधता हो, चाहे जातीय विविधता हो, चाहे बहुआयामी विविधता हो। जैसे अगर मान लो अगर हमारे समाज में कई जातियों के लोग रहते हैं तो इससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है, ठीक है। अगर हमारे समाज में बहुत सारे संस्कृतियों के लोग हैं तो सामाजिक सद्भाव बिगड़, अगर हमारे समाज में बहुत सारे धर्म के लोग हो सकते हैं रह रहे हैं तो भी सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। यानी विविधता, यानी कह सकते हो जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी समाज को सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने में एक मुख्य कारक या महत्वपूर्ण कारक के रूप में हम उसको मान सकते हैं या उसको कह सकते हैं, जैसे यहां पर बताया गया। देखिएगा विषमता, यानी जैसे जाति में बहुत ज्यादा वैरायटी है, ठीक है, धर्म में है, नस्ल में है, भाषा में, इस आधार पर अगर असमानता का जन्म लेती है तो सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। यानी अगर मान लीजिए भाषा को लेकर के विवाद है, जाति को लेकर के विवाद है, धर्म को लेकर के विवाद है, नस्ल को लेकर के विवाद है, अगर इस प्रकार के संघर्ष अगर समाज में रहेंगे तो सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है, या कह सकते भैया सामाजिक जो सद्भाव है वह खराब हो सकता है। इन सारी, यानी ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले कारक हैं। यानी जिसे दिया गया ना, धर्म है, जाति है, नस्ल है, भाषा है, यानी ये जो चार चीजें हैं, यानी धर्म के आधार पर सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे, भाषा के आधार पे, ये सारी चीजें क्या कर सकती है, जो हमारा सामाजिक सद्भाव है उसको खराब करने में, बिगड़ने में ये सारी चीजें क्या कर सकती है, उसको मदद कर सकती है। यानी इन कारणों से सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है, ठीक है, इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है, इन कारणों से भाई सामाजिक सद्भाव। मान लीजिए अगर समाज में, देखो क्या करें, अगर हमारे समाज में गरीबों का शोषण होता है, ठीक है, अमीर वर्ग अगर गरीबों का शोषण करता है तब भी सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। क्या करें भैया, अगर हमारे समाज में अमीर वर्ग द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता है तब भी सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। अगर लोगों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है इससे भी सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। कौन कौन सी चीजें, गरिमा और आत्मसम्मान की अगर लोगों को ठेस पहुंचती है तो भी क्या कह सकते हो कि सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। अगर अमीर वर्ग गरीबों का शोषण करेगा तब भी क्या करेगा भाई, सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। यानी इन कारणों से भी कह सकते हो कि जो सामाजिक सद्भाव है वह बिगड़ सकता है। दो तीन कारण और बता दिए, इन सारे कारणों को आप क्या करना, अच्छे से रिवाइज करके आपको लिखना पड़ेगा। ये सारे रीजन होते या कारण होते हैं जिनसे हमारा समाज में भाई जो भाईचारा है वो खराब हो सकता है। अगर ये चीजें की जाएंगी तो सामाजिक जो भाईचारा होगा खराब हो जाएगा, वही चीजें आपको यहां पर बताई जा रही है, ठीक है। अगला जो हमारा रहेगा कि महात्मा गांधी की हम बात करेंगे, सामाजिक सद्भाव को हम प्रोत्साहन कैसे कह सकते हैं, यानी सामाजिक, ये देखिएगा, सामाजिक सद्भाव को, यानी सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, यानी सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहन हम बढ़ा कैसे सकते हैं, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया कैसे सकता है। देखो सबसे पहले जो हम सामाजिक सद्भाव उसको परिवार के जरिए बढ़ा सकते हैं, यानी ठीक है, अगर परिवार में सहयोग होगा, अगर कल्याणकारी होगा, तलाक परिवार में नहीं होगा, समाज में अस्थायी दर रहेगा, अगर परिवार के वरिष्ठ जो नागरिक होंगे उसका घर के लोग मानेंगे, परिवार के अंदर और बाहर किसी प्रकार का भेदभाव, यानी पारिवारिक परिवार के जरिए, यानी घर परिवार के जरिए हम सामाजिक सद्भाव को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, राष्ट्र और सरकार, अगर हमारा देश और जो सरकार है, अगर हमारे समाज में भैया शांति रहेगी, आर्थिक और राजनीतिक लोगों को आज़ादी रहेगी, किसी के सबको न्याय मिलेगा, अपराध नहीं होगा, अगर समाज में समानता रहेगी, सभी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, इन सारी चीज़ों के जरिए कह सकते हैं कि हम सामाजिक सद्भाव को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे संगठन हैं, संगठनों के जरिए, जैसे प्रशासन है, ठीक है,
धन का मोटे तौर पर वितरण है, एकीकरण है, पारिवारिक व्यय है, रोजगार है, उच्च स्तर है, इन चीज़ों के जरिए यानी संगठन, बहुत सारे ऐसे संगठन है, ठीक है, उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सामाजिक सद्भाव को किसको बढ़ा सकते हैं, विश्वास है, सत्य है, क्षमता है, आशा है, उदारता है, दया है, इन चीज़ों के जरिए भी क्या किया जा सकता है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया जा सकता है। सभी संबंधों में नीति प्रणय है, ईश्वर के प्रति सम्मान है, प्रेम और सहानुभूति है, न्याय निष्पक्षता है, इन चीज़ों के जरिए किया जा सकता है कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें सामाजिक, देखो अन्य समुदाय और आस पड़ोस में देखोगे, यानी समुदाय और आस सामाजिक जो समुदाय हैं उनके जरिए भी सामाजिक सद्भाव को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, या कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें भी सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर हैं, या बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल दिखाई देते हैं, इनसे भी हमारा जो सामाजिक सद्भाव या जो सामाजिक भाईचारा है उसे हमें बढ़ाने में महत्वपूर्ण हो सिद्ध हो सकते हैं, ठीक है, आस पड़ोस जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। व्यक्तिगत स्तर पर भी हम सामाजिक सद्भाव को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे देखिएगा, सहानुभूति को विकसित करके, अगर लोगों में सहानुभूति रहेगी इससे भी सामाजिक सद्भाव बढ़ सकता है। मित्रता बढ़ा करके, अगर समाज में मित्रता रहेगी, भाईचारा रहेगा, इससे भी सामाजिक सद्भाव बढ़ सकता है, ठीक है। पारस्परिक रूप से सक्षम, लोगों को सक्षम बना करके, लोगों में कौशल है, क्षमता है, इसका भी विकास करके किया जा सकता है, सामाजिक सद्भाव को बढ़ा सकता है, ठीक है। सहयोग करके, सहयोग की भावना विकसित करके समाज में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया जा सकता है। अंतर समाज कर, यानी किसी प्रकार का अगर अंतर है या डिफरेंस है या, ठीक है, समाज में उसे कम करके उसे हम सामाजिक सद्भाव को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें देखिएगा, 12.11 जो आपका रहेगा, सामाजिक सद्भाव पर गांधी या गांधी के विचार, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है सामाजिक सद्भाव पर गांधी के विचार, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है भाई कि महात्मा गांधी सामाजिक सद्भाव पर क्या कहते थे या उनके विचार सामाजिक सद्भाव पर क्या थे, महात्मा गांधी क्या कहते हैं सामाजिक सद्भाव। देखो, महात्मा गांधी के जीवन और कार्यों में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना स्वराज प्राप्ति के लिए समान था, यानी अगर कहते थे महात्मा गांधी भैया ये कहते थे कि अगर हम सामाजिक सद्भाव बढ़ाते हैं तो हम स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर हमारा समाज एकजुट रहेगा, समाज में भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एक हैं, तो हम आज़ादी को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, ये महात्मा गांधी कहते थे, यानी समाज में सद्भावना को बढ़ा करके, समाज में भाईचारा, समानता और समाज को एक साथ ला करके, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ा करके हम जल्दी से जल्दी क्या आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं, ये महात्मा गांधी कहते हैं, यानी सामाजिक सद्भाव के जरिए हम आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। अपने पूरे जीवन में गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा और युद्ध के खिलाफ लड़ाई ले, अगर महात्मा गांधी कभी भी हिंसा की बात नहीं करते, सांप्रदायिक हिंसा और युद्ध के खिलाफ लड़ाई ले, गांधी ने सांप्रदायिकता के सभी रूप जैसे हिंदू मुस्लिम सिख का विरोध किया, नहीं महात्मा गांधी जो धर्म को लेकर के एक दूसरे में जो दंगे होते, फसाद होते, उसका महात्मा गांधी हमेशा विरोध करते थे। उन्होंने जनवरी 1942 में लिखा कि मैं इसे सर्वथा गलत मानता हूं कि व्यक्ति को धर्म के आधार पर, यानी महात्मा गांधी कहते थे व्यक्ति को धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। गांधी ने अपने मूलभूत सांप्रदायिकता अवधारणा का भी खंडन किया है कि अलग अलग धर्मों के कारण हिंदू और मुसलमानों के राजनीतिक आर्थिक हित अलग अलग हैं, यानी महात्मा गांधी कहते थे चाहे हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म जरूर हैं लेकिन दोनों के जो सामाजिक और राजनीतिक हित हैं वह सेम हैं, यानी महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हिंदू और मुसलमान अगर समाज में सद्भाव रहेगा, सामाजिक सद्भाव बना रहेगा या एकता बनी रहेगी या भाईचारा बना रहेगा, इससे हम क्या कर सकते हैं कि अंग्रेजों को भगाने में आए आज़ादी की लड़ाई लड़ने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है, महात्मा गांधी के विचार थे, ठीक है। गांधी की धार्मिक दृष्टि में धर्म की समान, यानी महात्मा गांधी धार्मिक दृष्टि अगर धर्म के आधार पर देखें तो धर्म सारे समान है, इस पर जोर देते थे। गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए सभी धर्मों का, यानी महात्मा गांधी कहते थे अगर हमें राष्ट्रीय सम्मान के लिए अगर हमें आगे देश बढ़ाना है या देश को अच्छे बेहतर लेवल पर ले जाना है तो सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए, यानी महात्मा गांधी कहते थे भैया कि सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है और सभी धर्मों को सम्मान मिलना चाहिए। वह दृढ़ता से मानते थे कि कोई धर्म अन्य धर्मों के, यानी कहते थे महात्मा गांधी भैया सभी धर्म बराबर है, कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं, ऊंच नीच नहीं है, ठीक है।
वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गांधी सभी धर्मों का ग्रंथों का, मैंने महात्मा गांधी ने सभी भैया धर्मों के पढ़ा था, जो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ थे, बड़ी बड़ी पुस्तकें थी, गांधी ने सभी पढ़ी थी। महात्मा गांधी ने गीता है, कुरान है, बाइबल है, सभी को पढ़ा था। और महात्मा गांधी ने बौद्ध और जैन धर्म से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। गांधी के अनुसार दुनिया के सभी महान धर्मों को अपने अनुयायियों के बीच, महात्मा गांधी कहते थे चाहे आप किसी धर्म से हैं लेकिन सभी धर्मों के लोगों के बीच में बलिदान, सद्भावना, शांति और समझ पर आधारित जीवन का उपदेश देना चाहिए ताकि पृथ्वी का स्वर्ग का निर्माण हो सके। गांधी ने सभी धर्मों की अच्छी बातों तथा अनुयायियों की क्षमता पर विशेष जोर दिया, इससे उन विभिन्न धार्मिक मामलों का समाधान ढूंढा जा सकता है। ये धार्मिक मामले संघर्ष पैदा करते हैं, इसलिए सभी धर्मों की सच्ची भावना और एकजुटता शक्ति को जगाना होगा और आपसी सहिष्णुता, विश्वास, समानता और दिलों का मैल जैसी भावना को भी नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि सभी धर्म भैया शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, सभी धर्मों की अगर बात करें तो आप वो मेलजोल या सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, यानी हमारे जो धर्म है, जो रिलीजन है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारे धर्म भी सभी को एक बराबर एक जैसे मानते हैं और वह शांति सद्भावना की बातें करते हैं। तो महात्मा गांधी सभी धर्मों जैसा मानते थे और सभी धर्मों को उन्होंने पढ़ा था और महात्मा गांधी धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव या बंटवारा नहीं करते थे। ठीक है, गांधी का दृढ़ विश्वास था, यानी गांधी जी का पक्का विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता और विकास में सांप्रदायिक सद्भाव और अंतर धर्म संवाद जरूरी है। सांप्रदायिक समस्या को हल तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए गांधी ने 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन का समर्थन देकर गंभीर प्रयास किया। 1946-47 के दौरान गांधी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता का निरंतर अभियान चलाया। ठीक है, नोखोली, बिहार, कोलकाता और दिल्ली के भीषण दंगों के दौरान सांप्रदायिक शांति कायम करने के लिए उनके किए गए कार्य अब क्रांतिविद बन गए। यानी कह सकते कि महात्मा गांधी सामाजिक सद्भाव पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे और जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर के राइट्स हुए या दंगे हुए उस पर महात्मा गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते रहे और महात्मा गांधी कहते थे भैया कि अगर सामाजिक सद्भाव रहेगा, अगर हमारा समाज में एकता रहेगी, भाईचारा रहेगा, अगर हमारा समाज एकजुट रहेगा तब हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने में आसानी होगी। यानी महात्मा गांधी भी सामाजिक सद्भाव का पूरा सपोर्ट करते थे, पूरा समर्थन करते थे। महात्मा गांधी ने भी सामाजिक सद्भाव पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने कहा कि सामाजिक सद्भाव समाज के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि समाज में शांति, सम्मान और भाईचारा बनाए रखने के लिए सामाजिक सद्भाव पर जाना चाहिए और सामाजिक सद्भाव के जरिए हम स्वराज को प्राप्त कर सकते क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था। अगर हम समाज में सामाजिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हैं तब हम क्या कर सकते हैं कि समाज में एक प्रकार से हम ये कर सकते हैं कि भाई हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, जब एक रहेगी, एकजुट रहेगी, हिंदू मुसलमान एक रहेगा तो अंग्रेजों को इस देश से भगाने में, खदेड़ने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, मदद मिलेगी। तो महात्मा गांधी की सद्भावना पर यही विचार थे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या 12.12 आ गया है, उसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 12 है ये समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 14, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरी किताब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और लगातार आपको हमारे चैनल पर इसकी क्लास मिलती रहेगी। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आगे क्लास आती रहेगी इसलिए, और आप एग्जाम देने जाना उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास जरूर सेंड करना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।